अब मैं थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ किस तरीके से घूमता है, देखिए। मतलब काफी लोगों को मैंने देखा है कि ये लाठी घुमाने में उनको काफी परेशानी होती है, उसका कारण ये है। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दो लाठियों को एक साथ घुमाना, और आपको बता दूँ ये पार्ट तीसरा है। इसके ऑलरेडी हमने काफी पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप डायरेक्ट इस पार्ट पर आए हो तो आप पहले वो पार्ट भी देख सकते हो, या तो ये दोनों पार्ट देखने के बाद में वो जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से देख लीजिएगा, या पार्ट टू पार्ट थ्री देख के भी आप देख सकते हो। तो ये पार्ट थ्री है, इसका पार्ट वन और पार्ट टू आपको जरूर देखना है ताकि कंप्लीट तरीके से आप लाठी घुमाना सीख पाए, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप ये सीखने की कोशिश करोगे तो इतना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए हमको स्टार्ट करना है। सबसे पहले दो लाठियों को इस तरीके से पकड़ना है सेंटर में, ठीक है। और हमने जो दोनों पार्ट बताया है उसके अंदर भी हमने सारी चीजें सिखाई है कि दोनों लाठियों को चारों तरफ किस तरीके से घुमाया जाता है। आज हम सीखेंगे दोस्तों मुर्रा मारना, मुर्रा किस तरीके से मारा जाता है, ठीक है। अब ये लाठी की भाषा में उसे मुर्रा कहा जाता है। आप किस नाम से पुकारते हो या आपके एरिया में किस नाम से पुकारते हैं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हम जिस अखाड़े में सीखे हैं वहां पे इसे मुर्रा मारना बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, दोनों लाठी को इस तरीके से पकड़ना है। पहले फर्स्ट हम एक ही हाथ से सीखेंगे, फिर इस हाथ से सीखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से, तो मैं इधर साइड में हो जाता हूँ ताकि आपको लाठी किस तरीके से घूम रही है वो आपको ध्यान देना है। ध्यान रखना है मेरी जो कलाई है, कलाई के ऊपर गौर करिएगा कि मेरी कलाई किस तरीके से घूम रही है और लाठी किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, ठीक है। फर्स्ट में इस तरीके से हम हाथ पीछे ले जाएंगे, देखिए लाठी सेंटर में पकड़िए, इस तरीके से आना है, ठीक है। वापस उसी चीज को रिपीट करेंगे हम, देखिए ये हमारा हाथ गया इस तरीके से पीछे, यहाँ पे लाठी घूमी और ये कमर पे लोड देके वापस आ गए, फिर अगेन ये, ठीक है। ये चीजें करना है आपको, रिपीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इधर नहीं करना है। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखिए पहला काम क्या करना है आपको, ये हो गया फर्स्ट, फिर यहाँ पर राउंड देना है इस तरीके से, एक राउंड देके वापस सीधी करना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, फिर ये राउंड देना है, फिर ये फर्स्ट और ये राउंड देना है, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब इसको आपको घुमाते रहना है जब तक आपके हाथ अच्छी स्पीड चलने नहीं लग जाए और आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी ना हो जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगेन हम इस हाथ से भी वही चीज करने वाले, इस चीज को भी हम रिपीट करेंगे, ठीक है। यहां पर इस तरीके से रखना है, अब ये हमारा हाथ गया और ये वापस आया, फिर ये हमने उसी पोजीशन में लाया, फिर ये गया, फिर ये उसी पोजीशन में लाया, फिर ये गया, फिर ये उसी पोजीशन में लाया, ठीक है। अब इसकी भी आपको प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है दोस्तों। जब दोनों हाथ की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, मतलब ये हाथ भी अच्छा घूमने लग जाए और ये हाथ भी अच्छा घूमने लग जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, लाठी को पकड़ना है सेंटर में। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम जब इधर हाथ ले जाएंगे तो ये हाथ को और ये हाथ को दोनों को एक साथ मूवमेंट करना है। आप किस तरीके से करेंगे, देखिए तो लाठी हमारी विपरीत घूमेगी, ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, ठीक है। देखिए ये अगेन बता रहा हूँ, देखिए सेंटर में पकड़ा है, ये मेरा पैर पे आप गौर करिएगा क्योंकि इसके अंदर आपका पैर चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको लाठी लगेगी, इससे आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। और लाठी बहुत जम के लगती है गाइस जब घूमती है, क्योंकि ज़्यादातर लाठी जो लगती है वो हमारे मुंह पे लगती है, नाक पे लगती है, या तो हमारी ये पिंडलियों पर लगती है, और ये दोनों तीनों जगह इतनी जम के लगती है दोस्तों, तो इसलिए आपका पैर चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्ट्रेट खड़े हो गए, ये पैर मैंने निकाला आगे, अब आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से मेरा ये लाठी का मुँह और इसका, दोनों को गौर करना है, इस तरीके से हमारी जाएगी और ये आएगी इधर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये लाठी इधर से निकलेगी, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हमारी ये लाठी इधर गई, मतलब इसको हमें इधर से घुमा के लाना है और ये लाठी जो है वो हमारी इस तरीके से घूमेगी, बस ये बस इतना ही घूमेगी, इतना ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये घूम के आई, अगेन बता रहा हूँ ये घूम के आई, फिर इसके बाद में हम, अब हमारा पार्ट इधर का स्टार्ट हो जाएगा, इस हाथ से हमें वही चीज करना है रिपीट, अगेन बता रहा हूँ। देखिए ये हमारा गया फर्स्ट, फिर ये इधर से, ठीक है। देखिए ये हाथ से हमें रिपीट करना है और ये लाठी यहीं के ही घूम के और ये उसी पोजीशन में आ जाएगी,
फिर हम इसको रिपीट करेंगे, फिर हम इसको रिपीट करेंगे, फिर हम इसको रिपीट करेंगे, फिर इसको रिपीट करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है दोस्तों। और ये काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि ये लाठी घुमाने में उनको काफ़ी परेशानी होती है। उसका कारण ये है कि उनके जो पैर है वो नहीं चलते हैं। और आप देखिए मेरे पैर ऐसे चल रहे हैं जैसे मैं लोगों डांस करते हैं ना, उस तरीके से हमारे पैर चल रहे हैं। अगर मेरे पैर नहीं चले दोस्तों, आपको बता दूँ, अगर मैं यहाँ पर पैर नहीं चलूँ तो मुझे लाठी बहुत जम के लग जाएगी। तो इसीलिए हमारे को पैर चलाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड में दिखाता हूँ कि जब ये लाठी हम थोड़ी स्पीड पर घुमाते हैं तो किस तरीके से लगती है। और अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करिए, 100% हम उस टॉपिक को सॉल्व करेंगे, या तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, या तो एक शॉर्ट वीडियो बना के वो टॉपिक को हम बता देंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है आप आगे मत बढ़िए, वो चीज़ों को कमेंट करिए, दोबारा शूट कर लेंगे हम, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ किस तरीके से घूमता है, देखिए। तो देखा दोस्तों, जब दोनों लाठी एक साथ घूमती है तो बहुत ही प्यारी लगती है। तो आई होप आपका वीडियो काफी पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।